Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. आवाज कम क्यों आ रही है आप लोगों की? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर कल के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो भी आप पूछ सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस और नो समथिंग यू शुड अटर. कम ऑन स्पीक अप. Or either you can use the chat option to reply. Okay. No, ma'am. Okay. So we have Kashish. Come on, Kashish. Bataye aapko koi dikkat? No, ma'am. Okay. तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है. ये सील की है. सिलेंड्रिकल सील होती है. उसका इम्प्रेशन है एक एक बियर्डेड और आर्म्ड फिगर्स दिखाए गए हैं, यानी कि दाढ़ी वाले फिगर्स हैं ये. ठीक है, और इनकी सिमिलर सी ड्रेस है. हेयर स्टाइल भी कुछ डिफरेंट ही है. स्टेले करके हेयर स्टाइल है. स्टेले का मतलब स्टोन स्लैब्स विद इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग. ओके, इन द स्टेले, स्टेले पर है. ठीक है, यानी कि स्टोन पर बने हुए, स्टोन स्लैब्स पर बने हुए ये कार्विंग्स हैं. ठीक है, इस पे क्या होता है, बेसिकली एक इस तरीके का रोलर होता है. ठीक है, इस तरीके की सील बनाई जाती है. इनको गीली क्ले पर या स्लैब्स पर रोल किया जाता है जिससे ये फिगर्स जो हैं बन सके. ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं. द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट इन इंडिया. अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड. पुराने जमाने में इंडिया के यहाँ पर सील्स जो है वो स्टैम्प की जाती थी. मेसोपोटामिया के अंदर पहले मिलेनियम यानी कि BCE के अंदर सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स होती थी, यानी पत्थर की बनी हुई सिलेंड्रिकल सील्स होती थी. पियर्स डाउन द सेंटर, और सेंटर में उनको दबाया जाता था. वर फिटेड विद अ स्टिक, स्टिक में फिट किया जाता था. एंड रोल्ड ओवर वेट क्ले सो दैट अ कंटीन्यूअस पिक्चर वाज क्रिएटेड. अब इनको स्टोन के ऊपर इस तरीके से रोल किया जाता था. बेसिकली इसमें लकड़ी फंसाई जाती थी इस एरिया में बीच में, और फिर उसको रोल कर देते थे जिससे कि वो इसके ऊपर पूरा फिगर बना सके, कंटीन्यूअस फिगर बना सके. ठीक है, देवर कार्व बाय वेरी स्किल्ड एंड क्राफ्ट्समैन एंड समटाइम्स कैरी राइटिंग्स. अब ये बहुत ही हुनरमंद जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनके द्वारा किया जाता था, और इनको काफी सहज करके रखा जाता था. राइटिंग्स भी लिखी हुई होती थी कई बार इन पर. अब इस पे क्या लिखा हुआ होता था उसके अंदर, बोलते थे नेम ऑफ द ओनर जो जिसकी ये चीज है, उसके भगवान की, हिज गॉड एंड हिज ऑफिशियल पोजिशन, और क्या ऑफिशियल इसका डेजिग्नेशन है, ये सब चीजें होती थी. A seal could be rolled on clay covering the striking knot of a cloth, package or the mouth of a pot, keeping the contents safe. Ab seal jo hai usko roll kiya jata tha clay ke upar, ya fir uske upar cloth package bhi hota tha, kapda bhi lagaya ja sakta tha, ya fir pot jo hai uske muh par kapda lagaya jata tha jisse ye sare cheezein jo hai safe rahe, kharab nahi ho. When rolled on a letter written on a clay tablet, it became a mark of authenticity. Ab jab ye letter के ऊपर लिखी जाती थी, यानी जो हमने टैबलेट लास्ट क्लास में पढ़ी थी जिस पर लेटर और ट्रांजैक्शंस लिखे हुए होते थे, उस पर जब लिखा जाता था तो वो एक ऑथेंटिक चीज का सिंबल के तौर पे देखा जाता था. तो इसीलिए सील जो होती थी वो मार्क होती थी किसी भी सिटी ड्वेलर का रोल इन द पब्लिक लाइफ, यानी कि वो कहाँ पे कितना घूमा है, उसकी पब्लिक लाइफ क्या रही है, उसका भी एक सिंबल के तौर पर देखा जाता था. समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. अब लाइफ इन द सिटी, जिंदगी कैसी रहती थी लोगों की सिटी के अंदर, यानी शहर के अंदर. जो अभी तक हमने देखा है कि रूलिंग एलीट जो है वो इमर्ज हुई थी एक स्मॉल छोटे सेक्शन में, बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा मेजर शेयर मिला था उनको वेल्थ का. ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे, और इस चीज में हम समझेंगे कि उनके रिचनेस के अंदर क्या क्या था. ज्वेलरी थी, गोल्ड वेसल्स थे, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वाइट शेल के अंदर या लैपिस लजूली
जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सेरिमोनियल डैगर्स थे जो बने हुए थे गोल्ड के, ठीक है, ये सब राजा के साथ में या क्वींस के साथ में उस जमाने के दफनाए जाते थे, बरीड, यानी जब वो मर जाते थे तो उनके साथ में दफना दिए जाते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे उनका क्या, एक न्यूक्लियर फैमिली जो है उसके अंदर एक मैन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे आते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आज भी जमाने में फेमस है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब यही होता है, ज्यादा रिश्तेदारी नहीं, बस न्यूक्लियर फैमिली के अंदर माता पिता और बच्चे ये इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट डिस्प्यूट्स एंड इनहेरिटेंस मैटर्स एक्सेट्रा दैट इज मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म ऑल्दो अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रेसिडेड विद हिज पेरेंट्स। भले ही यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा चलन में था, लेकिन मेसोपोटामियन सोसाइटी के अंदर, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर अगर बेटा है तो बेटा अपनी शादीशुदा, अगर वो बेटा मैरिड है तो वो अपनी फैमिली के साथ में भी रह सकता है और अपने पेरेंट्स को भी रख सकता था। फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, फादर जो है वो हेड होते थे फैमिली के। और बहुत कम नॉलेज है कि क्या प्रोसीजर था मैरिज का, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी है। एक डिक्लेरेशन जो है वो किया जाता था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ब्राइड के जो पेरेंट्स होते थे फिर वो अपना भी डिक्लेरेशन देते थे मैरिज को लेकर के, अपनी सहमति देते थे। फिर वहां पे गिफ्ट जो है ग्रूम के लोगों को, द गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड पीपल, यानी कि दूल्हे के जो लोग होते थे वो ब्राइड को देते थे, ब्राइड के जो लोग होते थे उनको गिफ्ट देते थे। और जब वेडिंग होती थी तो गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था दोनों पार्टीज की तरफ से। वो एट टुगेदर, मेड ऑफरिंग्स इन द टेंपल, जो साथ में ही खाते थे, मतलब उस पूरे सीजन, मतलब शादी में गिफ्ट्स एक दूसरे को देते थे, खाते थे साथ में और प्रेयर भी करते थे मंदिर में। और मदर इन लॉ जब आती थी तो ब्राइड जो है उसको अपने हिस्सा देना होता था, अपने एक तो इजाजत लेनी होती थी अपने पिताजी से। फादर का घर, हर्ड्स, फील्ड्स एक्सेट्रा, ये जो है ये बेटों की होती थी और उन पर बेटों का हक होता था, मतलब पिता की संपत्ति पर। अब उर की तरफ देखेंगे, अर्लियर सिटीज रही हैं जो एक्सकवेटेड की गई हैं, यानी कि एक्सकवेट किया है उनको, ढूंढा गया है। और जो एक टाउन है वो ऑर्डिनरी हाउसेस उसमें मिले हैं, सिस्टमेटिकली एक्सकवेट किया गया 1930s में। पति पत्नी स्ट्रीट होती थी जिनके अंदर व्हील कार्ड जो है वो नहीं पहुंच पाते थे हाउसेस तक, और जो गेहूं की बोरियां होती थी या वुड्स होते थे वो गधों पर, गधों की पीठ पर डाल करके लाया जाता था, क्योंकि कार्ड्स जो है वो नहीं होती थी। यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखा है, आपको समझ आ रहा होगा कितनी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर, समझ आ रहा है आपको, ये छोटी छोटी गलियों वाला एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। उर का रेसिडेंशियल एरिया एट उर किस तरह का हुआ करता था, वो सब चीजें हैं। अब ये जो छोटी छोटी गलियां होती थी ये इस तरह का ही, यहाँ पे शेप्स जो हैं घर के वो छोटे छोटे होते थे, बिल्कुल स्ट्रीट ड्रेन्स की फैसिलिटी नहीं थी। और ये इस तरीके से मोहनजोदाड़ो जैसा ही है, फाइंड इट कंटेम्प्रेरी मोहनजोदाड़ो में भी आपको इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। वहां पर भी घरों के आसपास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyards at the Ur houses. Ur houses के अंदर आपको clay pipes और drains देखने को मिलेंगे। It is thought that house roofs sloped inwards and rainwater was channeled via the drain pipes into sumps. अब sumps क्या होता है? एक covered basin होता है जिसका पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, sewage flow जो है उसके अंदर included होता है। ये माना जाता है कि यहाँ के जो घर थे उनका जो छतें थी वो इस तरीके की थी कि पानी अगर बारिश होती है तो उसका पानी जो है रूप से वो अंदर की तरफ, रेन वाटर जैसे था ना, ड्रेन वाटर सिस्टम, कंजर्वेशन सिस्टम होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर डाउनपोर। और ये इसलिए किया जाता था जिससे जब बहुत ज्यादा बारिश हो तो गलियां जो है वो भर नहीं जाए पानी से और उसमें प्रॉपर जाने के लिए आपके जगह रहे और वो बहुत ज्यादा मैसी नहीं हो जाए। अभी तक समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। कोई दिक्कत?
नो मैम. ओके. लोग बाग जो है वो कई बार अपने घर को साफ भी करते थे. ठीक है. टू स्वेप्ट ऑल देयर हाउसहोल्ड रिफ्यूज इनटू द स्ट्रीट टू बी ट्रॉडन अंडरफुट. और वो अपने घर का कचरा जो है वो बाहर गली में नहीं डालते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर गली में डाल दिया तो वो उन्हीं के पैरों के नीचे आएगा और सड़ेगा. इससे स्ट्रीट का जो लेवल था वो बढ़ गया था, और टाइम के साथ में हाउसेस जो हैं वो भी बढ़े, और वहां पर बिल्कुल भी मड फ्लो नहीं करती थी, बारिश में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं बहती थी. लाइट भी आने लगी थी रूम्स के अंदर, विंडो से नहीं आती थी, दरवाजों को खोल देने से आती थी, ओपन कोर्टयार्ड से यानी बरामदे थे उनसे आती थी, और ये भी इससे फैमिलीज को प्राइवेसी भी मिलती थी. और वहां पर सुपरस्टिशंस जो है वो भी, यानी कि अंधविश्वास भी था उस जमाने के लोगों में, तो वो भी फॉलो होता था और वो माना जाता था. क्या हाउसेस को लेकर के ओमन टैबलेट्स के अंदर जो देखा गया है कि अ रेज्ड थ्रेशहोल्ड ब्रॉट वेल्थ, कि एक ऊंचा आकर आपका घर बना हुआ है तो उससे आपके घर में समृद्धि आएगी, और फ्रंट डोर जो है डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी, अगर आपका सामने वाला दरवाजा किसी और घर के सामने वाले दरवाजे के सामने नहीं खुलता है तो ये बहुत ही लकी चीज है. बट अगर आपका मेन दरवाजा जो है वो लकड़ी का है और वो दूसरे दरवाजे दूसरे घर के सामने वाले खुलता है तो जो वाइफ है वो द वाइफ वुड बी अ टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड, तो वो अनलकी मानी जाएगी अपने हस्बैंड के लिए. इस तरीके की इनकी प्रथा थी या माना जाता था, ये इनका सुपरस्टिशन था. या तो वो उसको मेंटली परेशान करेगी या फिर उसको फिजिकली परेशान करेगी. ठीक है. अगर एक दरवाजा दूसरे घर के दरवाजे के सामने खुल रहा है तो ओके. फिर वो जो टाउन है वो सिमेट्री, देयर वाज अ टाउन सिमेट्री एट उर, टाउन सिमेट्री भी थी जहां पे ग्रेव्स जो है वो थी, यानी दफनाया जाता था. रॉयल्टी के लोग जो थे उनके लिए थी. कॉमनर्स जो हैव बीन फाउंड बट अ फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेस. जो रॉयल लोग थे उनको तो सिमेट्री में दफनाया जाता था, और जो कॉमन लोग थे उनको उनके ही घरों के नीचे दफना दिया जाता था. ये था हमारा टाउन का डिस्क्रिप्शन. अब ट्रेडिंग टाउन इन पेस्ट्रल जोन. पेस्ट्रल जोन में क्या व्यापार होता था, ठीक है, क्या कैचमेंट एरिया था, कहाँ पे बारिश हो रही, क्या एग्रीकल्चरल लैंड है, ये आपको पूरा एक मैप के दिया हुआ है, उसमें समझ में आ सकता है. कहाँ पे कैनल वाटर वेज जो है वो थे, पेस्ट्रल लैंड क्या था, लोकेशन है ये मारी की, वो सब समझाया गया है. 2000 BC के अंदर रॉयल कैपिटल जो थी मारी की वो काफी फ्लारिश हुई, यानी काफी अच्छा उसमें प्रोस्पेरिटी आई. मारी स्टैंड्स नॉट ऑन द सदर्न प्लेन्स विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अपस्ट्रीम ऑन यूफ्रेट्स. मारी का जो एरिया है वो सदर्न प्लेन्स की तरफ साथ साथ ही यूफ्रेट्स की जो अपस्ट्रीम एरिया है वहां से भी वहां पे भी था. मैप 3 जो है उसके अंदर आपको कलर कोडिंग के तहत समझाया गया है कि एग्रीकल्चरल एनिमल रियरिंग की जगह कौन सी थी और वो कितनी आसपास थी इस रीजन में. कम्युनिटीज जो थी मारी की वो फार्मर्स और पेस्टरलिस्ट दोनों थे इसके अंदर, और वो पेस्टरिंग शीप एंड गोट्स, मतलब शीप को चराना और गोट्स को चराना जो वो करते थे. हर्डर्स जो है वो एनिमल्स के एक्सचेंज किया करते थे, चीज लेदर एक्सचेंज करते थे, मीट एक्सचेंज करते थे गेहूं के रिटर्न में, मीट टूल्स भी इनको मेटल टूल्स भी एक्सचेंज करते थे. ठीक है. और ये जो चीजें थी ये फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल थी, इसीलिए इसी समय में कई बार कंफ्लिक्ट भी हुए हैं उस जमाने में कि शेपर्ड जो है उसने अपने फ्लॉक को पानी के पास में ले गया और वहां पे फील्ड की जो उगी हुई थी वहां पे उसने फील्ड खराब कर दी. ठीक है. अपने जानवरों को चराने ले गया और किसी का खेत खराब कर दिया तो लड़ाइयां भी हो जाती थी. हर्ड्समैन जो है वो बहुत ही मोबाइल थे, यानी कि वो एग्रीकल्चर विलेजेस जो थे उनमें घुमा करते थे और खाना जमा किया करते थे. उनके हिस्से में जो सेटल्ड ग्रुप्स थे उस जमाने के वो पेस्टरलिस्ट के थे, जिनका हक जो था वो रिवर के पास में था और पानी का वो ज्यादा यूज करते थे. ठीक है. समझ में आया ये मैप और इससे रिलेटेड ये चीजें क्या बताई गई है यहाँ पर. Yes, ma'am.
अब मेसोपोटामियन का जो पूरा हिस्ट्री रही है उसमें नोमैडिक कम्युनिटीज रही है, यानी कि नोमैड्स कौन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, खाने और शेल्टर की तलाश में. अब इसके अंदर शेपर्ड थे जो अपनी फ्लॉक्स को उस एरिया में ले जाते थे जहाँ पर समर के समय ऐसे एरिया में ले जाते थे, सोन एरिया में, जहाँ पर वो कुछ उगाया हुआ होता था, जहाँ उगता था कुछ. इस तरह के ग्रुप जो है उनके अंदर हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स भी आते थे या हायर्ड सोल्जर्स आते थे ओकेशनली जो काम करते थे या सेटल हो जाते थे एक जगह पे. जिनको कुछ को पावर्स मिल जाती थी वो रूल करने लग जाते थे. इनके अंदर आते थे अकाडियंस, अमोराइट्स, एजायरियंस और आर्मेनियंस, इस तरह के लोग थे, ठीक है. इनके बारे में आप थीम 5 के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, फेस्टिवल सोसाइटीज के बारे में. अब जो राजा थे मारी के वो थे एमोराइट्स, जो ड्रेस उनकी ड्रेस थी वो बहुत डिफरेंट थी वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो रहने वाले थे उनसे. और ये सिर्फ भगवान जो थे मेसोपोटामिया के उनके ही रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि जो टेम्पल ऑफ मारी के अंदर डैगन डगन गॉड ऑफ स्टीपी उनकी भी ये पूजा करते थे. मेसोपोटामियन सोसाइटी और कल्चर जो है वो डिफरेंट लोगों का था, उसमें डिफरेंट कल्चर्स को माना जाता था, बहुत ज्यादा अलग अलग डाइवर्स चीजें थी. सिविलाइजेशन जो है यहाँ का बहुत ही इंटरमिक्सचर वाला था, दोनों ही तरह की चीजें थी. द पैलेस ऑफ किंग जिमरिलिम, अब ये मारी में एक पैलेस है उसका डिस्क्रिप्शन है. ये ऑडियंस हॉल है, ये आउटर बाहर का कोर्ट है, ये इनर कोर्ट है, ये थ्रोन रूम है जहाँ पे राजा को राजा के बैठने की जगह थी. ये एंट्रेंस गेट है, ये वेल है, कुआ है. अब कोर्टयार्ड इस तरह के होते थे, यानी जो आने जाने के कॉरिडोर हैं. उसके बाद में स्क्रिब्स और बेंचेस जो हैं वो इस तरह की होती थी. ये सब आपको डिस्क्राइब किया गया है इस फिगर के अंदर. अब किचन बताई गई है, किचन इस तरीके की होती थी. वर्कशॉप का किचन इस तरफ होते थे और किचन का ये अंदर पिक्चराइजेशन है कि ये किस तरह की होती थी. और ये लेबरेटरी यानी नहाने धोने की जगह जो है वो होती थी, ठीक है. रॉयल स्वीट जो है वो इस तरफ था, ठीक है. ये आधी पिक्चर यहाँ है और आधी पिक्चर यहाँ है. फिर पेंटिंग वॉल्स बताई गई है, किस तरीके से वॉल्स पर पेंटिंग हुई हुई थी, ये सब डिस्क्राइब किया गया है. Yes. हाँ जी बोलिए. हाँ जी बेटा, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, प्लीज थोड़ा माइक प्लीज अपने पास पर रखें. मैम प्रोजेक्ट दिया है ना आपने, प्रोजेक्ट. हाँ जी बोलिए. उसमें जो आपने टॉपिक, मैम जो आपने टॉपिक्स दिए उसमें से सारे टॉपिक्स पे लिखना है थोड़ा थोड़ा या नहीं? नहीं 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 बेटा, एक टॉपिक चूज करना है और उस टॉपिक को लेकर के उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी उससे रिलेटेड सारी चीजें लिखनी है. बस एक टॉपिक पे लिखनी है, सारे पे नहीं लिखनी है, ठीक है मैम. और कोई आपकी क्वेरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो पूछ लो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. गलत प्रोजेक्ट बन गया तो दोबारा बनाना पड़ेगा, इसीलिए कह रही हूँ अभी पूछ लो. मैम एक टॉपिक पे तो मतलब पूरा उसका सारा मतलब एक दो पेज तक का ही लिखना है, बहुत सारा 20-25 पेजेस का प्रोजेक्ट बनेगा जो आपको टॉपिक दिया गया है. उससे रिलेटेड आप अपनी डिफरेंट बुक्स जो है उससे भी रेफर कर सकते हैं, उसमें से भी कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, मैप्स, पिक्चर्स अगर रिक्वायर्ड है, मिल रही है तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं. आपको करनी ही है कुछ तो, जिससे आपका प्रोजेक्ट और अट्रैक्टिव लगे. फूल पत्तियों का ज्यादा डेकोरेशन नहीं करना है. साथ ही साथ आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट से पिक्चर्स, आर्टिकल्स और मैप्स या डायग्राम्स या जो भी रिलेटेड हैं वो चीजें निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने टॉपिक के अंदर. और अगर आपको मैटर नहीं मिल रहा है प्रॉपर तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं वो ऑथेंटिक साइट से ही होनी चाहिए. ऑथेंटिसिटी जो है बहुत जरूरी है आपके प्रोजेक्ट की. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आप प्रोजेक्ट बना के आए और वो चीज ऑथेंटिक ही नहीं हो, सच्ची ही नहीं हो. और क्योंकि कई सारे एड्स और आर्टिकल्स थोड़े से फेक भी होते हैं, तो आपको ऑथेंटिसिटी का भी ध्यान रखना है. ओके मैम.
और पेजेस जो यूज करने हैं वो आपको ऐसे वाले यूज करने की, एक तरफ लाइन होती है जिन पेजेस पर और एक तरफ ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक पेजेस पे आपके पिक्चर्स मैप्स वगैरह जो है वो आप स्टिक कर सकते हैं, और बाकी आपको प्रोजेक्ट जो लिखना है वो आपकी लाइन पे लाइन वाला जो साइड है वहाँ पे लिखेंगे। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कवर पेज वगैरह जो है वो भी बनाने हैं, और पूरा प्रोसीजर बताया था किस तरीके का है, आपको वीडियोस आप देखेंगे तो आपको उसमें पता पड़ जाएगा। और भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, जो किंग्स थे मारी के वो बहुत ही विजिलेंट थे, हर्डर्स जो थे अलग अलग ट्राइब्स के वो अपने अलग अलग किंगडम्स में मूव करते थे और वो देखते थे, कैंप हर्डर्स जो थे वो लगातार मेंशन करते थे, लेटर्स भेजते थे किंग्स और ऑफिसर्स को। एक लेटर में एक ऑफिसर ने ये भी लिखा था कि किंग जो है वो फ्रीक्वेंटली फायर सिग्नल्स जो है रात में दे रहा है, ही हैज बीन सीइंग कई सारे फायर सिग्नल्स दिए जा रहे हैं जो दूसरे कैंप के द्वारा है, और ये एक सस्पेक्ट की तरह देखा जाता था कि अब अटैक हम पर होने वाला है। तो इस तरीके की चीजें होती थी। अब यूफ्रेट्स जो है वो प्राइम पोजीशन पे थे उस समय व्यापार के अंदर, वो व्यापार कर रहे थे लकड़ी यानी वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और दूसरे जो गुड्स होते हैं उनके द्वारा, जो यूफ्रेट्स के द्वारा लाए जाते थे बोट्स में भर के साउथ, और मिनरल रिच अपलैंड जो थे टर्की, सीरिया और लेबनन के, उनके बीच में ट्रेड होता था। मारी एक अच्छा एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर का, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा था, बोट्स जो है उनकी उसके अंदर स्टोन्स, वुड, वाइन, ऑयल, जार्स ये भी लेके जाते थे ये अपने रस्ते में, सदर्न सिटीज जो भी पड़ती थी उनमें ये ट्रेड करते थे। ऑफिसर्स जो थे स्ट्रॉन्ग के वो अब्रॉड जाते थे, और कार्गो के अंदर वो इंस्पेक्शन भी होता था। एक सिंगल रिवर बोट होती है जिसके अंदर 300 वाइन जार्स होते थे, एक चार्ज जो है वो भी लगाया जाता था 1/10 जो पूरे गुड्स लेकर के आ रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पे कस्टम लगती है, टैक्स लगता है, उसी तरह यहाँ पे भी ये लगाते थे। बार्ले जो है स्पेशल ग्रेन की तरह लाया जाता था बोट्स के अंदर। इम्पोर्टेंट टैबलेट्स भी आपको मिलेंगी, अलाशिया, अलाशिया बोला जाता है जो आइलैंड ऑफ साइप्रस जो है उसके लिए फेमस था, और यहाँ पे कॉपर टिन जो है बहुत ही ज्यादा उसका व्यापार किया गया था। ब्रॉन्ज जो है वो मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था जिससे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे, और इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी। मारी जो है वो मिलिट्रीली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो बाकी चीजों में बहुत ही अच्छा फल फूल रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस जगह थी। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज कंसीडर अप योर प्रॉब्लम्स, हम आपके प्रॉब्लम्स कल की क्लास में सॉर्ट आउट कर देंगे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।